बताइए, जैसे हम ये बोरी है इसके अंदर जो है गोंद होता है, इसे हमें बहुत आराम से जो है ना छुड़ाना पड़ता है। हाँ, बोरी को छुड़ाना पड़ता है, चिपक रखी है अभी जी। और क्योंकि अभी हम लाए इसलिए ऐसे नहीं निकलेगी है जी, क्योंकि अभी हम ये रास्ते में आ गई है, इसको पता तो ये जो है फैल रही है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जिस दिन आपको अंदर देखना हो बक्से के अंदर क्या क्या हो रहा है, जब भी हमें इसे खोलना, नहीं तो ये बंद ही रखेंगे। हाँ, ये बंद रखेंगे, ठीक है। हाथ को हिलाना नहीं है, वो नहीं करना। अगर जो मधुमक्खियाँ आ जाती हैं, हाँ, जो मक्खी काटती है वो टकराती है। अच्छा, जैसा माने जिसको काटना होगा, हाँ, आप पे टक्कर मारेगी। अच्छा, टक्कर होने के बाद जैसे वापस दोबारा टक्कर मारेगी, अगर आपसे वो दोबारा टक्कर मार दी तो आप समझ जाओ ये काट सकती है। अच्छा, तो उसे भगाना नहीं है। अच्छा, अपने आप जो है साइड हट जाओ, बैठ जाओ बस, ऐसे बैठने से कुछ नहीं काटेगा ना। हाँ, अगर हमने हाथ से उसे भगाया तो मरेगी तो है नहीं, हम उसे हाथ से धक्का देंगे उधर चले जाएगी, फिर वो एकदम गुस्से में आएगी, फिर वो कन्फर्म है उसे काटेगी। अगर हमसे एक दो बार टक्कर होगी मक्खियों की तो हाथ नहीं हिलाना। अगर आप सिर्फ फेस को बचाना हो तो आप यूँ कर सकते हैं ना आँखों, क्योंकि आँखों उसमें अगर ये बैठेगी तो हम आँखें जैसे पलकें बंद करेंगे तो तुरंत काटेगी, उसमें जो है ना ये एक सेकेंड का टाइम नहीं लेगी। अच्छा, लेकिन अगर और जगह बैठेगी तो टाइम लेती है काटने में। सर के अंदर अगर हमारी बाल में घुस गई तो उसे तुरंत मार दो, मतलब उसे भगाना नहीं है, भगाएंगे तो वो काटेगी। हाँ जी, इसको जो है ना बहुत आराम से इसको ऐसे झटका देना है हमने कि ये जो है खटके न, तो खटके आवाज़ करे और न टक्कर दे। और ये जो मधुमक्खियाँ है ना ये पिचकनी नहीं चाहिए, जो इसके अंदर छत्ता है ये नया छत्ता है, इसको हम लेंगे सीधे, ये मैंने एक इसको पैकिंग के लिए रखा हुआ, ये एकदम नया छत्ता है। जब ये हाथ में आ जाता है यहाँ, हाँ, इसके बाद इसको झटका दो, ये काटेगी नहीं, छत्ता है ना ये एकदम जो है, अगर आपसे टकराई हो तो आप धुआं का वो कर सकते हैं, इसको ऊपर सीधा निकालना है। अगर हमने इसको यहाँ टकरवा दिया तो जो मक्खी ये साइड में है ना, ये नहीं होना चाहिए, सीधा उठाना है। हाँ, जब ये हाथ पे आ जाता है जी तो तब जो है हिलाने से भी नहीं काटती। अच्छा, इसको कैसे भी हिलाओ नहीं काटेगी जी, लेकिन वहाँ यहाँ जो है बहुत सावधानी रखनी पड़ती है बक्से में। उसके बाद इसको देखना हो तो जैसे धूप हमारी अभी यहाँ से आ रही है पीछे से, तो हम जो है उस तरफ मुँह नहीं करना, हम ऐसा नहीं देखेंगे, ऐसा देखेंगे तो सही नज़र नहीं पड़ेगी। हमें इसको ऐसे घूमना है सूर्य की तरफ से। हाँ, अब आप इसको देख सकते हैं, और अगर ये तो ऐसा देखो इसको यूँ पलटा सकते हैं पीछे देखना हो। अब जैसे ये है, ये क्वीन है, रानी है अभी, ये जो है रानी मधुमक्खी है, ये जो ये हेल्दी चीज़ है सब। हाँ, ये वाली है। हाँ, ये घूम रही है। ये बाकी जो है, बाकी क्या है? हाँ, बाकी जो है मधुमक्खियाँ हैं इसमें जो है। हाँ, इसमें जैसे हाथ ले जाना हो आप किसी भी मक्खी को तो इस बीच में हाथ नहीं ले जाना, इस बीच में हम ले जाएंगे तो काटेगी इस बार। हाँ, आप किसी में, ये जो है नर मधुमक्खी है, ये काटती नहीं है। अच्छा, ये नहीं काटती है, ये मोटा होता है, ये देख लो, नर नहीं काटता, नर नहीं काटता। इसमें जो है नर जो मधुमक्खियाँ हैं वो काटेगी नहीं। जैसे ये है, अब यहाँ दबानी नहीं हमें, अगर हम इनको यहाँ दबा देंगे तो ये काटेगी। हमने यहाँ डाल दिया, उसके बाद जैसे हमें शहद निकालना हो, इसके अंदर जो है टक्कर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम इसे झाड़ेंगे इस छत्ते को हम अंदर झाड़ सकते हैं, पूरा खाली कर सकते हैं कैसे, पर जब हम नीचे झाड़ेंगे तो यहाँ टक्कर नहीं, अगर हमने इसमें कट आवाज़ टक्कर दी तो ये काटेगी। तो इसको यूँ करके अगर हमें मक्खियाँ झाड़नी हो, शहद निकालो, यूँ पकड़ो इसको, यूँ झाड़ दो, यहाँ नहीं, उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ जाके ये पूरा झाड़ दिया। मान लो मधुमक्खी को इसे बक्से से अलग झाड़े तो भी, हमने नहीं बक्से से अलग नहीं झाड़ना, अंदर झाड़ना, ऊपर ही, मतलब बक्से के अंदर। अगर हमें शहद निकालना हो तो हमने ये झाड़ दिया, इसमें बुरुस है, एक आध जो मक्खियाँ हैं ये जो है, ये नर्स बीज है नया, इसको हम जो है बुरुस से साफ कर सकते हैं। ये हमने साफ कर लिया, इसके ऊपर हम चाकू यूँ चलाएंगे तो इसकी एक पत्ती उतर जाएगी, जैसे हम गाजर कुछ छिलते हैं, छिलते हैं बस, उसके बाद ये छिल गया। तो इसका जो है वैसे तो एक इसका निकालने का ड्रम होता है, अच्छा, जिसमें हम इसको यूँ डालेंगे और घुमाएंगे तो ये हवा से निकल जाएगा, हवा से निकल जाता है शायद पूरा इकट्ठा हो जाए। ये पीला जो चीज़ है ये पराग है, पोलन इसको बोलते हैं, पीला आपको दिख रहा है, ये पराग है, ये पीला वाला ये। हाँ, और ये हनी है, ये शहद है, जितना ये पका हुआ शहद है, और जो नीचे है इसको हम कच्चा शहद बोलते हैं। जैसे ये शहद है ये वाला, ये कच्चा शहद है। हाँ, ये कच्चा शहद है, ये शहद जो है कच्चा, जब ये पक जाएगा तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, इसके अंदर ये शहद है, ये शहद है, इतना ऊपर नहीं आएगा। जैसे ये छत्ता काला है ना, तो यहाँ जो है ना ये ऐसा हो जाएगा, जब सफ़ेदी आती है तो समझो ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, जब ये डार्क पड़ेगा तो ये, जैसा अभी ये डार्क पड़ा हो ना छत्ता, तो अब शायद नहीं है इसमें। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसको रहने देते, नहीं छेड़ेंगे। हाँ, तब नहीं छेड़ना। तो जो माता है दोनों ही बनाते हैं ना? नहीं, सिर्फ मधुमक्खियाँ बनाती है। अच्छा, ये तो जैसा, और इसको जब देखना हो दिन में देखना है। अच्छा,
इस बिल्कुल धूप के समय। हाँ, और सुबह सुबह नहीं देखना, जैसा जैसा धूप आ जाएगी, अगर एक धूप आने के एक घंटे बाद, जैसा आजकल है 12 बजे के आसपास देख लें हम लोग। हाँ, सबसे बढ़िया टाइम होता है 12-2 बजे को देखें, करीबन 10 दिन बाद। हाँ जी, 10 दिन बाद 5-5 किलो निकाल के फिर कितने दिन बाद? नहीं वो तो पक्का। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल देखो, रख लो। सब पूछ रहे हैं, देख रहे हो। सब पूछ रहे हैं, देख रहे हो। जैसा लूज हो जाए ना तो गाड़ी में, हाँ तो एक्स्ट्रा तो आप सारे निकाल दो इसमें। हाँ ये तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी। नहीं ये अगर इसको जरूरत होगी ना, इसमें तार नहीं लगा रखा, वो तार वाला है। हाँ। इसको डाल देना, उसमें छत्ता बना देगी। ठीक है, ऐसी छत्ता बना देगी। तार वाला छोड़ जाओ आप। हाँ बस छोड़ दो, इसमें तार वाला डाल दिया। आप लोगों के पास कितने डब्बे हैं वहाँ पे? 130 है। तो इसको मधुमक्खी का पालन करने के लिए कितनी कितनी जगह चाहिए? कम से कम 100 डब्बे रखते हैं। नहीं, इनको हम तो माइग्रेशन करते हैं, हम एक जगह पर नहीं रखते हैं। अच्छा, अभी रहेगा 10 दिन बाद, जैसे थोड़ा टेम्परेचर गर्म होगा। तो बरसात में नहीं देखना है, जब सूरज नहीं निकल रहा तब नहीं देखना है, मतलब टाइमिंग तो 12-2 का सबसे फिक्स टाइम है। हाँ हाँ, सबसे बढ़िया टाइम है उस टाइम, काटती भी नहीं, गर्म रहेगा ठंड में। अब ये पूरी अंदर दिन में ये कम हो जाएगी इसके अंदर। धुआं कब छोड़े इनके लिए? जब शहद निकाले तब, या ये खोले तब धुआं करना चाहिए? जैसा आप देख रहे हैं ना, कभी काट लेती है, माना अगर आपको थोड़ा हुआ है तो एक इतना लंबा बोरी का टुकड़ा ले लिया, गोल बना दिया, जला दिया। जलाने के बाद जो है, जब उसमें आग नहीं जले, बुझ जाए ना, तो इसमें फूंक मारे हल्का सा, इसके ऊपर धुआं आएगी, एकदम शांत हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम दूसरे का पैसा ये है। अच्छा, इसकी क्वीन ये है। अच्छा, वहाँ नजदीक लाऊं? समझ गया। ये है। अच्छा, जब क्वीन बनता है ना, क्वीन इस सेल में बनेगा ऐसे, ये वाला, इससे रानी बनती है जो ये, हाँ ये वाली। और क्वीन जो है ना, इस सेल से बनेगी, ऐसे बनेगा, वो लंबा, इतना लंबा बनेगी जितनी हमारी ये उंगली है। अच्छा, जितनी उंगली का ये वाला जो बनता है, हाँ ऐसा बनेगा लंबा, अगर रानी बनेगी तो। ये अब आपको इसको जो है आराम से बाहर खींचना है छत्ते को। दबनी नहीं थी, दब गई, ध्यान नहीं रहता ना फिर जी। कभी और एकदम नज़दीक लिया और यही छेद हो गया, थोड़ा दूर रखना है, और दूर से फूंक मारे एकदम शांत हो जाएगी, बिल्कुल एक काटेगी नहीं। अच्छा ठीक है। और इस वक्त जब ढक्कन खोलोगे, जैसे ढक्कन है ना खोलना है इसका, तो ये बहुत आराम से खोलना, जब ये बोरी खोलोगे ना तो इसको यूँ पकड़ के बहुत आराम से खींचना। अभी तो नहीं है, चिपकी हुई नहीं है, जैसे हमने ये बंद कर दिया, अब ये खोलना नहीं है, ऐसे ही रहेगा। इसको खोलना नहीं।